नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि सेल डीड कैंसिलेशन से संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में। दोस्तों, आइए हम इस पर विवेचना करें, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि मेरा हर वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपलोड होता है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सेल डीड कैंसिलेशन के ऊपर में कौन कौन से प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को सुने और उसके बाद उसके उत्तर को सुने। तो आइए अब एक एक प्रश्न को पहले देखते हैं। दोस्तों, कुछ दर्शकों ने हमसे भी प्रश्न किया कि क्या हमसे कोई जाली फरेबी करके छल कपट करके जमीन लिखवा लिया है, तो क्या वह जमीन का रजिस्ट्री कैंसिल होगा। अब दूसरा प्रश्न, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शामिलात संपत्ति में से एक भाई अपने हिस्से से ज्यादा जमीन बेच देता है जो दूसरे भाई के हिस्से का जमीन होता है, तो क्या उस दूसरे भाई को भी उसके जमीन में हिस्सा मिलेगा, यानी वह भी रजिस्ट्री कैंसिल होगा। और तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि क्या सेल डीड होने के बाद जो जमीन का रकम बकाया है, जो कंसिडरेशन बकाया है खरीदार के यहाँ, अगर वह नहीं देता है तो क्या सेल डीड का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। और चौथा प्रश्न है दोस्तों कि क्या रजिस्ट्रार के यहाँ सेल डीड रजिस्टर्ड होने के बाद पुनः रजिस्ट्रार उस सेल डीड को कैंसिल कर सकता है या नहीं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए एक एक करके हम आपके इन चारों प्रश्नों का उत्तर दें। दोस्तों, यह चारों प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको पूरी जानकारी रखनी है, क्योंकि सेल डीड का जो कैंसिलेशन होता है दोस्तों, मुख्यतः इन्हीं चारों प्रश्नों पर ही होता है। दोस्तों, चार प्रश्न से अधिक कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर में सेल डीड कैंसिल किया जा सकता हो। दोस्तों, तो आइए अब पहला प्रश्न देखें। दोस्तों, आपको धोखे में रखकर कोई जमीन आपसे रजिस्ट्री करवा लिया, आप जमीन बेचना चाह रहे थे 10 कट्ठा, लेकिन वो रजिस्ट्री करवा लिया 1 बीघा। वैसी परिस्थिति में आपको धोखा में रख करके आपका जमीन वो खरीद लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तब आप क्या करें। दोस्तों, जब दोस्तों इस तरह का बात आपके सामने उपस्थित हो जाए कि आपको कोई धोखा में रख करके आपका जमीन आपसे रजिस्ट्री करवा लिया, वैसी परिस्थिति में आप अपने रजिस्ट्री पेपर का सर्टिफाई कॉपी का नकल निकालें, उसके बाद दोस्तों सीधे सिविल कोर्ट में जाएं, वहाँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत में टाइटल डिक्लेरेशन कम कैंसिलेशन सूट का मुकदमा करें। इसमें धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी जोड़ना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यह जाली फरेबी दस्तावेज जो होता है, रजिस्ट्री जो होती है, उसे कैंसिल करने का अधिकार सिविल कोर्ट के पास जो है वो धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर है। दोस्तों, तब आप सिविल कोर्ट में जाएं, सिविल कोर्ट में धारा 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आप मुकदमा करेंगे। मुकदमा करने में आपको जमीन का जो कोर्ट फीस है उसे जमा करना होगा, जमीन के कीमत और वैल्यूएशन के अनुसार आपको न्यायालय में कोर्ट फीस जमा करना होगा। उसके बाद न्यायालय सारे प्रक्रियाओं से, न्याय की प्रक्रियाओं से गुजर जाने के बाद, जब यह उचित पाएगा कि आपको धोखे में रख करके आपसे कोई आपका जमीन रजिस्ट्री करवा लिया है, तो निश्चित तौर पर उस रजिस्ट्री या सेल डीड पेपर को या उस विक्रय पत्र को जिसकी रजिस्ट्री हो गई है रजिस्ट्रार के यहाँ से, न्यायालय कैंसिल कर देगा। दोस्तों, ये हुआ आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि शामिलात संपत्ति में कोई भाई अपने हिस्सा से ज़्यादा जमीन बेच देता है। इस तरह के ही प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में काफ़ी आए हैं दोस्तों, तो आइए इस पर भी हम उत्तर इसी एक वीडियो में बना करके आपके सामने दे दें। दोस्तों, जब कोई भाई शामिलात संपत्ति में से अपने हिस्सा से ज़्यादा संपत्ति, ज़्यादा हिस्सा बेच देता है, वैसी परिस्थिति में वह जो पीड़ित भाई है जिसका हिस्सा बेचा गया है, वह सिविल कोर्ट में जाएगा, वहाँ टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा करेगा, साथ ही साथ उसमें डीड कैंसिलेशन सूट का भी मुकदमा होगा। दोस्तों, एक ही मुकदमा दोनों होता है, टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट इसे कहते हैं। दोस्तों, मुकदमा करने के बाद जो जमीन खरीदार है उस पर भी नोटिस होगा, जो भाई जमीन बेचा है अपने हिस्सा से ज़्यादा, अपने शेयर से ज़्यादा, उसे भी नोटिस होगा। वो दोनों प्रतिवादी बनकर न्यायालय में आएंगे, दोनों पक्षों की बात को सुनने के बाद अगर न्यायालय सारी प्रक्रियाओं से गुजर जाती है और गुजर जाने के बाद न्यायालय यह पाता है कि एक भाई अपने हिस्से से ज़्यादा जमीन बेच दिया है, वैसी परिस्थिति में जितना हिस्सा से ज़्यादा जमीन बेचा है उस हद तक सेल डीड को कैंसिल कर देगा न्यायालय। दोस्तों, पूरा नहीं करेगा, क्योंकि पूरा तो उस भाई का अपना भी शेयर है,
लेकिन अपना शेयर से जो ज्यादा संपत्ति बेच दिया है एक ही सेल डीड पर, उस पार्ट को न्यायालय कैंसिल कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा हुआ। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि कभी कभी आप ऐसा भी देखते हैं कि यार ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का धारा 54 भी कहता है, जिसमें सेल की परिभाषा दी गई है, बिक्री की परिभाषा दी गई है, कि जब कोई जमीन बिक्री करता है तो पेमेंट का उसके रकम अदायगी के दो तरीके होते हैं, एक रजिस्ट्री के पहले पूरा रकम कीमत, या रजिस्ट्री के बाद भी पार्ट पेमेंट किया जा सकता है। दोस्तों ऐसी स्थिति में जब कोई खरीदार आपको पूरा पेमेंट न करे और बाद में जाके इनकार कर दे, या दोस्तों आपको वह चेक दे और चेक बैंक से क्लियर न हो, वैसी परिस्थिति में आप घबराएं नहीं। सिंगल इस आधार पर, सिर्फ इस आधार पर रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होता दोस्तों। इसके साथ अगर फ्रॉड जुटा है, जाल फरेब जुटा है, तब तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ नॉन पेमेंट के आधार पर, यानी विक्रेता को क्रेता ने जमीन का पूरा पैसा नहीं दिया, सिर्फ इस आधार पर जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हो सकती। इसके लिए दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया था। ये मुकदमा है दोस्तों AIR 1990 में विद्याधर राव वर्सेज मानिक राव का। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर क्रेता जो जमीन खरीदा है, अगर वह जमीन का पूरा पैसा नहीं देता, तो सिर्फ इस आधार पर जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हो सकती। जमीन के रजिस्ट्री का पैसा प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति जो जमीन को बेचा है, उसे सिविल कोर्ट में जाना होगा और सिविल कोर्ट में जा करके ऑर्डर 37 सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत में मनी रिकवरी सूट का मुकदमा करना होगा, और मनी रिकवरी सूट के मुकदमा में सारे प्रावधान से गुजर जाने के बाद न्यायाधीश महोदय यह आदेश जारी करेंगे कि जो जमीन का क्रेता है, जो जमीन का खरीदार है, वह पूरा पैसा इतने दिनों के अंदर सूद सहित विक्रेता को दे दे, अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों इसी तरह का एक दूसरा मुकदमा भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया। यह है मुकदमा है दोस्तों AIR 2020 में है। यह है मुकदमा देही बेन वर्सेज अरविंद भाई दोस्तों। इस मुकदमे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि सिर्फ और सिर्फ नॉन पेमेंट के आधार पर रजिस्ट्री कैंसिल नहीं की जा सकती। सिर्फ नॉन पेमेंट, इसके साथ अगर जरा सा भी फ्रॉड जुटा है या किसी अन्य तरह का धोखेबाजी जुड़ी हुई है, तब तो निश्चित तौर पर रजिस्ट्री कैंसिल होगी। लेकिन दोस्तों सिर्फ नॉन पेमेंट के आधार पर रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी, सिर्फ नॉन पेमेंट का। उसके बाद आपको जब नॉन पेमेंट हुआ, आपका चेक डिसऑनर हो गया, वो जो क्रेता जमीन को खरीदा था वो आपको पूरा पैसा नहीं दिया, वो आपका पैसा हड़पना चाहता है, तो इसके लिए दो प्रावधान हैं। पहले प्रावधान तो मैंने बताया ऑर्डर 37 CPC के अंदर आप सिविल कोर्ट में मुकदमा करें। दूसरा प्रावधान है दोस्तों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत में आप CGM के कोर्ट में मुकदमा करेंगे, जिसमें सजा का भी प्रावधान है दोस्तों। और उस व्यक्ति पर जिसने आपका पेमेंट नहीं किया है, जिसका चेक डिसऑनर हो गया है, जिसका चेक बैंक क्लियर नहीं किया है, उस व्यक्ति से आपको न्यायालय पैसा भी दिला देगी 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट के अंदर में, और उसे सजा भी मिलेगी दोस्तों। इसीलिए सिर्फ नॉन पेमेंट के आधार पर, सिर्फ जमीन की कीमत नहीं मिलने के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होती। यह एक मजबूत आधार कैंसिलेशन का नहीं है दोस्तों। इसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धोखाधड़ी या अपने कैपेसिटी से ज़्यादा बेचने का मामला जुड़ा होना चाहिए। अब एक चौथा प्रश्न है दोस्तों कि क्या जो रजिस्ट्रार जमीन की रजिस्ट्री करता है, क्या वही रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन के बाद, सेल डीड के रजिस्ट्रेशन के बाद, विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन के बाद उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर सकता है या नहीं? तो दोस्तों इसके लिए मैं आप सिंपली रूप से बता दूं, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक रजिस्ट्रार एक एग्जीक्यूटिव अफसर होता है, एक एग्जीक्यूटिव अफसर एक कार्यपालक अधिकारी जो है सिर्फ अपना आदेश जारी करता है, लेकिन उसी आदेश का न रिविजन कर सकता है न उसे वो कैंसिल कर सकता है दोस्तों। इसके लिए ऊपर जाना ही है आपको। इसीलिए जब कोई रजिस्ट्रार के यहाँ से सेल डीड रजिस्टर्ड हो जाती है, तो रजिस्ट्रार के पास यह पावर नहीं है कि उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दे। इसका पावर सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट में वेस्ट है। सिर्फ सिविल कोर्ट के जज साहब को यह पावर है कि वो रजिस्टर्ड सेल डीड को, यानी निबंधित जो होता है विक्रय पत्र जमीन का या प्रॉपर्टी का, उसको वो कैंसिल करने का अधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट में है दोस्तों। यही 3-4 तरह के प्रश्न जो दोस्तों जनरली रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए उठते हैं। इससे अधिक प्रश्न तो कभी है नहीं। अब आपके सभी प्रश्नों का उत्तर, जो भी रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए आधार होने चाहिए, जो भी रजिस्ट्री कराने के ऊपर में प्रश्न उठता है दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का करीब करीब उत्तर आपको इस वीडियो में मिल गया होगा दोस्तों। अब अगले वीडियो में विशेष नमस्कार दोस्तों। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद पड़ा,
तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यार लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी समझ लें कि विभिन्न तरह का प्रश्न जो सेल्डेड कैंसिलेशन पर कमेंट में पूछते हैं वे इसी 4-5 आचार आधार है जिसके आधार पर रजिस्ट्री कैंसिल होती है, अन्यथा और कोई आधार नहीं है दोस्तों। यानी जितने भी प्रश्न हैं सभी का निचोड़ पर वीडियो मैं आज बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद।